नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। खेत में लाश मिलने से गांव में सनसनी फैली। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में सुबह खेत में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आनंद पालन में इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मृतक की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि मृतक का नाम रोहित कनौजिया है और वह पास के गांव सिसवा बुजुर्ग का रहने वाला है। मृतक 13 फरवरी की शाम यज्ञ देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने पूरे गांव में उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला तो शोहरतगढ़ थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। आज सुबह उसके शव मिलने की सूचना पर परिवारजन घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके जीविका चला रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हत्या हुई है या आत्महत्या, तो मृतक के पिता ने कहा कि आत्महत्या ही समझिए, अब हम किसको दुश्मन बनाएंगे। शनिवार को समझो जब खत्म हुई है, उसी दिन ही हम लोग सोचे कि रात में आएगा, रात में नहीं, सुबह हम लोग इतवार को दिन हम लोग ढूंढने लगे। वहाँ लाश आज मिली है बुधवार को। लाश में कहीं चोट वोट के निशान है या कुछ है या नहीं? इसे गलमच्छा बनी है, ऐसे ऐसे मारे हैं, जीभ निकल गई बाहर। मतलब क्या लगता है, हत्या की गई होगी या अपारा के नीचे दबाई गई थी? सर मतलब किसी से आपकी दुश्मनी है या ना? दुश्मनी किसी से नहीं है साहब, ये मेहनत मजदूरी हम लोग कर रहे थे। कितने उम्र थी लड़के की? 14। क्या लग रहा, हत्या है कि आत्महत्या? अब गाम हत्या ही है साहब, और कुछ नहीं है उसमें, किसको हम दुश्मन बनाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक मायाराम वर्मा ने बताया कि आज सुबह किशोर के शव मिलने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। मृतक की शिनाख्त हो गई है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है और रोहित नाम का है, रोहित कनौजिया उसका नाम है। 14 फरवरी को इनके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज शव मिलने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर विविध कार्रवाई की जाएगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।